यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में माफिया राज का कायम। हर माफिया, हर डॉन इस बात को समझ कि उत्तर प्रदेश में उसके दिन पूरे हो चुके हैं और कानून के राज में कोई गुनहगार नगाड़ों की इन आवाजों को सिर्फ दिखावटी समझने की कोशिश ना करे, क्योंकि कानून का पंजा अब हर गिरबा तक पहुंचेगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, बाहुबली अतीक अहमद, गोल्डन चश्मे वाला गैंगस्टर बदन सिंह पद्दू, भदोही का रंगबाज विजय मिश्रा और छोटा राजन गिरोह का बच्चा पास। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये चक्रव्यूह है उन बदमाशों का जो खुद को बेताज बादशाह समझते थे, लेकिन बदलते वक्त में कानून के हंटर ने इन सब की अकड़ को तोड़कर रख दिया। माफिया राज की कहानी अब हुई पुरानी। माफिया राज की कहानी अब पुरानी हो चुकी है। कानून का बुलडोजर हर अवैध सल्तनत को तबाह करने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि एक के बाद एक हर डॉन का नंबर आ रहा है। कानून के इस बुलडोजर से अतीक गैंग का शार्प शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता भी नहीं बचा। पश्चिमी यूपी का कुख्यात अनिल दुजाना भी हिट लिस्ट में है। सुनील राठी का भी नंबर आने वाला है। वहीं पप्पू गांजिया का भी घमंड टूट चुका है। टॉन अबू सलेम के काले साम्राज्य पर भी है अब खाकी की नजर। जरायम की दुनिया में बैठा हर शख्स इन तस्वीरों को गौर से देख ले और अच्छे से समझ ले कि यूपी में अब अपराधियों की खैर नहीं। किसी भी कीमत पर अब यूपी में माफिया राज नहीं चलेगा और ना ही यूपी में होगा किसी डॉन का डर। माफिया राज का तय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। माफिया राज का दी एंड। जी हां, अपराध और अपराधी दोनों का सफाया, यही मकसद है कानून के रखवालों का। और अब हर शातिर के दिन पूरे हो चुके हैं। हर डॉन की अवैध सल्तनत को ढाया जा रहा है। अतीक, मुख्तार और विजय मिश्रा के बाद अब बारी आई है बदन सिंह बद्दो की। कानून का शिकंजा पहुंचा है मेरठ में उस शौकीन गैंगस्टर के घर। पहले प्रयागराज में बाहुबली अतीक की फेकड़ी को मिट्टी में मिलाया। अतीक अहमद के बाद पूर्वांचल के माफिया का नंबर आया। लखनऊ में मुख्तार के आशियाने को जमींदोज कर कानून के पंजे ने सबक सिखाया। अतीक और मुख्तार के गुर्गों का भी नंबर बारी बारी आया और अब आया है गोल्डन चश्मे वाले गैंगस्टर का नंबर, जिसकी गवाह है निकाली गई बदन सिंह बद्दो की बारात और बाराती बनी खाकी की यह फौज। जिस गोल्डन चश्मे वाले गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के पीछे पूरे यूपी पुलिस लगी है, जिस जरायम की दुनिया के रंगबाज को अब तक एसटीएफ नहीं पकड़ पाई, अब गुनाहों की दुनिया के उस शौकीन डॉन के काले साम्राज्य पर है कानूनी पंजे की नजर। है कि आज माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार बदन सिंह बद्दो पुत्र श्री चरण सिंह के घर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। सभी को अवगत, अगर किसी को कुछ और बताना है इस बारे में हमें अवगत करा सकते हैं, धन्यवाद। ढोल नगाड़ों की मुनादी के बाद साफ साफ चेतावनी भी दी गई। पुलिस ने अनाउंसमेंट के बाद दिखाया अपना एक्शन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात डॉन बदन सिंह बद्दो के दो मकानों को पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर दिया। पंजाबीपुरा और बेनीपुर की संपत्ति कुर्क। पहली प्रॉपर्टी मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित पंजाबीपुरा में है, तो दूसरी कोठी बेनीपुर में बताई जा रही है, जिसके कीमत करोड़ों में है। और अब कुर्की के बाद बदन सिंह बद्दो को इसका पैगाम मिलना तय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश डॉन बदन सिंह बद्दो के उसी घर पर हम मौजूद हैं जिसे पुलिस कुर्क कर रही है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं। ये बदन सिंह बद्दो का रूम है जहां पर बदन सिंह बद्दो रहता था। आप देख सकते हैं कि कितना आलीशान रूम तैयार किया गया है। सारी चीज़ें इसमें
मौजूद हैं, चाहे वो एलईडी हो, आप देख सकते हैं। और ये बदन सिंह बद्दो की तस्वीर है, शुरुआती तस्वीर, यंग बदन सिंह बद्दो। और उसके बाद धीरे धीरे उसकी आप देख सकते हैं कि जो सूरत है वो बदलती गई, एज बढ़ता गया, लेकिन बदन सिंह बद्दो धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का डॉन बन गया। और आज उसके नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश थर थर कांपता है। यह तस्वीरें एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा की है, जिसमें हमारे रिपोर्टर ने बदन सिंह बद्दो की इस आलिशान शौक को दिखाया है, इस आलिशान घर को दिखाया है। आइए अब आपको दिखाते हैं गोल्डन चश्मे वाले इस गैंगस्टर के आलिशान महल के और दरवाजे। एक आलीशान महल की जो खूबसूरती होती है, जो साज सज्जा होती है, वो सब कुछ बदन सिंह बद्दो के घर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये टॉयलेट है बदन सिंह बद्दो का, जो लग्जरी टॉयलेट है, और साथ ही ये उसका रूम है, जिसे आप देख सकते हैं कि किसी महल से कम नहीं है। ये तस्वीरें टीपी नगर वाले आलीशान मकान की है, जहाँ पुलिस कुर्की की कार्रवाई हुई। सभी सामानों को घर से बाहर निकाल कर लोडर में लादा गया। हर सामान की लिखा पढ़ी हुई, जिससे बदन सिंह बद्दो के मकान में कितना सामान था उसकी लिस्टिंग हो सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर, 2.5 लाख का इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो, अपराध की दुनिया का वो नाम जिसके नाम से कांपते थे बड़े बड़े बदमाश, अब उसकी अकड़ को कुर्क किया गया है। ऐसो आराम से बदन सिंह बद्दो यहाँ पर रह रहा था। ये तस्वीरें उसके घर के अंदर की हैं, जो आपको एबीपी गंगा आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये और हर उस जगह पर पुलिस के जवान मौजूद हैं जहां पर उसका सामान रखा गया था। आप देख सकते हैं ये पुलिस के जवान हैं, साथ ही जो महिला पुलिस हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, ताकि अगर कोई विरोध करता है, कोई महिला अगर आती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और लगातार आप देख सकते हैं एसी से लेकर के झूमर तक हर सामान यहाँ पर मौजूद है, और लगातार यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, और उम्मीद है कि जब सारा सामान बाहर निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि बदन सिंह बद्दो 28 मार्च 2019 को पेशी के दौरान मेरठ के मुकुट महल होटल से पुलिस की अभिरक्षा से फरार हो गया था, जिसके बाद से आज तक बदन सिंह बद्दो का कोई पता नहीं चल सका। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस डॉन को बिल से बाहर निकालने के लिए अभी से प्रशासन आर्थिक चोट दे रहा है, जिससे तिलमिलाकर बाहर निकले और इसे गिरफ्तार किया जा सके। आइए अब आपको बताते हैं गोल्डन चश्मे वाले गैंगस्टर के आलिशान शौक। अपराध की दुनिया में बद्दो ने 1988 में कदम रखा। बदन सिंह पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या, हत्या का प्रयास, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, रासुका और 2 बार एनएसए के तहत कार्रवाई की गई। शानो शौकत भरी जिंदगी देख कोई अपराधी नहीं कहेगा। महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते रखता है, बुलेट प्रूफ कारों का जत्था, सीसीटीवी, आधुनिक सुरक्षा तंत्र, महल जैसा आलिशान घर, लुई विटॉन जैसे महंगे ब्रांड के जूते, महंगे महंगे कपड़े पहनता है बदन सिंह बद्दो। जी निश्चित रूप से जितनी भी इनकी अचल संपत्ति है उस सबकी कुर्की की जा रही है, और जो अचल संपत्ति है उसमें भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस टीम और एसटीएफ लगातार इसकी गिरफ्तारी में लगी हुई है, और विवेचना में जो न्यायिक प्रक्रिया उसका पालन किया जा रहा है, उसी का परिणाम यह है कि 83 के तहत ये कुर्की की जा रही है। जो भी चीज़ें हैं उन सभी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फरवरी में एक सोशल मीडिया अपडेट किया गया था, और उसके तहत भी साइबर टीम ने जाँच की, जिसमें बहुत सारे तथ्य निकल कर सामने आए हैं सभी चीज़ों का। उसमें के लिए डीजीपी महोदय द्वारा 2.5 लाख रुपये का घोषित किया गया है, एसटीएफ लगी हुई है, और मेरठ से भी एक स्पेशल टीम बनाई गई है, और जल्दी वो सुनिश्चित की जाएगी। तो ये एसएसपी अजय कुमार साहनी है, जिनका साफ तौर से कहना है कि टीमें लगी हुई हैं, और उम्मीद है कि जल्द ही जो बदन सिंह बद्दो है वो पुलिस की ही गिरफ्त में होगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।